मोटू अपना मेकअप उतार रहे हैं अभी। मोटू अभी अपना मेकअप उतार रहा है। मोटू ने अभी भी अपना मेकअप उतारा है क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ बहुत मीठा खाने की इच्छा हो रही है मोटू की। चार बार से मेकअप उतार रहा हूं। बाहर निकल चुके हैं गाड़ी में, रात के 8:30 बजे दिन है 30 अगस्त। हम लोगों को थोड़ा ग्रोसरी का सामान खरीदना है और इसके अलावा कुछ बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, लाइक जलेबी एंड ऑल। भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो लोगों का बारिश में पकोड़े खाने का मन करता है, हमारे छोटू का मन करता है मीठा खाने का, जलेबी। क्या लाए हो? मौत का सामान। मौत का सामान विद कोरोना। चलो थोड़ा सा। दिन है 31 अगस्त और रात के बज रहे हैं 2 और मोटू व्लॉग एडिट कर रहे हैं। अभी भी व्लॉग एडिट नहीं हुआ, मेकअप का चैलेंज वाला वीडियो है, आप देख लेंगे, ये व्लॉग आएगा उससे पहले। तो मेरे को बोला कि कॉफ़ी बना के लाते हैं, मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया, डिस्पोर्ट इंडक्शन पर चढ़ाया था सबसे कम टेम्परेचर पर, पूरा पतीला भर के आधा हो गया। अभी मेरे को याद रखा। गाइस सुबह की 11 बजे हम लोग उठ चुके हैं और देखो मोटू किचन में क्या क्या कमाल दिखा। आज मैंने दिन भी गर्म किया, मैंने चाय भी बनाई है, सब कुछ मैंने मतलब जीवन की शुरुआत ही आज मैंने की। सी गाइस, चाय, खुद का दूध, एक और दूध मट्ठा, और ये कप किस लिए? चाय के लिए? मैंने बनाया। वैसे बर्तन 4 जगह कर दिए हैं, वो कोई बात नहीं, थोड़ी दूध भी गिराया है पर इट्स ओके। घायल विद दिस योगा। पेट के सलवटे नहीं आता। सुबह के बज रहे हैं 9, काफी सोच के इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 10 बजाने वाला था, मेरी बीवी ने बोला नहीं 9 बजा दो, एक्चुअली 8:30 बज रहे हैं, ये भी झूठ है। सो वॉट एवर द टाइम इज, अभी अभी हमने योगा फिनिश किया और अब हम लोग लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया क्या अपना? Just kidding. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। आज चाय मैंने बनाई थी, छोटू ब्रेकफास्ट बनाएगा, देखते हैं क्या बनाता है, खाने लायक बनाएगा तो दिखाऊंगा, बाकी एक्सपेरिमेंट तो हमारे घर में चलते ही रहते हैं। आपको मैं मौसम के हाल बता देता हूँ, काफ़ी दिन हो गए फिर बोलो गए रिपोर्टर भैया कहाँ गए। आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, कपड़े 10 बार सुखा चुके हैं, 10 बार उतार चुके हैं, आज सुबह से नहीं एक्चुअली कल रात से ही ऐसे बारिश हो रही है। मोटू को लग रही है भूख और अभी भी उन्होंने एक एप्पल खाया, मैंने भी एप्पल खाया, एक एप्पल से मेरा पेट भर गया, लेकिन मोटू को भी भूख लग रही है। अंकिता और मुझमें सुबह से बहस चल रही है, अंकिता बोल रही है कि अपन आज ये चैलेंज करते हैं वो चैलेंज करते हैं, और कल वाला जो हमारा मेकअप वाला चैलेंज था उसकी वीडियो एडिट करने में मेरे को लग गए थे 5 घंटे, मतलब इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया था। जो हमारे चित्तौड़ वाला घर है, मतलब जिस क्वार्टर में अभी हम रह रहे हैं, तो वहाँ हम लोग शिफ्ट हुए थे कुछ 1000 साल पहले, और वहाँ पे हम जब शिफ्ट हुए थे मैंने पापा को बोला था पापा मेरे को ये रूम पसंद नहीं है, इसको रिनोवेट करते हैं। तो पापा ने दी मेरे को मिट्टी गोड़ी, पापा ने बोला बेटा अपन को यहाँ रहना है 10 साल, 10 साल में क्यों पैसे लगाने दूसरे क्वार्टर में, और वैसे ही मेरी बीवी मेरे को गोली देती है। हैं छोटू कि हाँ इसमें ये क्यों लगवाना वो क्यों लगवाना, फालतू में पैसे खर्च होंगे। मतलब व्हाट आई डू बिलीव इज कि अगर अपन को 10 साल में 10 साल क्या मतलब 6 महीने भी रहना है तो वी शुड हैव एवरीथिंग दैट वी नीड। क्या मेरी बीवी ने मुझे काम पे लगा दिया, थोड़ी देर में उसका भाई आने वाला है यहाँ पे हमसे मिलने के लिए। एक्चुअली कल मॉर्निंग में उसकी फ़्लाइट है, वो जा रहा है पुणे, वहीं पर वो काम करता है, वहीं पर वो सेटल्ड है। तो 26th को उसका बर्थडे था तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, हम साथ में नहीं थे, तो अंकिता उसके लिए केक बना रही है, उसके लिए एक सरप्राइज़ होगा, और मुझे लगा है आलू के पराठे बनाने, तो मसाला मुझे प्रिपेयर करना है। मैंने आलू बॉईल कर लिए, अब इनको पील ऑफ करूँगा, फिर इनको मैश करूँगा, फिर जो हो पाएगा वो करूँगा, फिर बाद में अंकिता संभाल लेगी। तो गाइस मैंने नींबू पानी बना दिया मेरे बिरादर के लिए, वो आने वाला है, और ये रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू कुक, रेडी टू कुक वो है
केक मिक्स, तो मैं उसके लिए केक बनाने की ट्राई करती हूँ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसा बनने वाला है, क्या बनने वाला है। अरे यार, मैंने इसी में मिक्स कर लिया, ऑयल लगा के डालना था इसमें नीचे। हमारा रेडी है, मैं इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देती हूँ ताकि वो क्रंच आएगा बीच में। पहले ही मना कर रहा था। क्या मना कर रहा था? ये दाढ़ी बाबा है, इसका नाम विक्की है, ये बहुत नलायक है। और ये मेरा ब्रो है चौधरी साहब, दो चौधरी साहब आ चुके हैं। चलो, तो दो लोग आए ना घर में मेरे, ये दोनों कैमरा शाही है, एक और दो दाढ़ी वाली बुआ। दाढ़ी वाली बुआ। मैंने इसके लिए केक बनाया, उस केक की मिट्टी पलीत हो गई। इस केक का क्या हाल हुआ है, पूरा का पूरा एकदम यूं का यूं पेस्ट पड़ा है। क्या मतलब यार, क्या पूरी मेहनत खराब करा दी मेरी। कुछ कहना चाहोगे केक वाली बात पे? मुझे लग रहा है मुझे लोअर पहन लेना चाहिए था, टांगे भी। तो ये मोटा मेरे से अभी लहसुन की चटनी की रेसिपी पूछने आ रहा है, तो इसको सिखाते हैं। क्या सा लग रहा है दीदी के पास आगे? इधर मस्त एकदम, ऐसे आशीर्वाद गिर रहे हैं ऊपर। बहुत सारा ज्ञान जुड़ रहा है। तो हम कितने जने अपन? पांच, एक दो तीन चार ही है ना? हाँ। जोड़ के देख ले तो हम जा रहे हैं एक प्लेट में चटनी और आलू के पराठे खा रहे हैं। मोटू सर्व कर रहे हैं चटनी पराठों के ऊपर, पराठों के ऊपर। अब इसके ऊपर एक अचार का पीस होता है, खड़ा कर देते हैं। पहले सारे बताओ कैसा लग रहा है, एक एक का नंबर। बहुत सही है, जो लहसुन की चटनी मेरी हेल्प थी तो ये तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। अच्छा। बाकी पराठे भी अच्छे हैं। ठीक है, यूरोपियन पराठे काफी बढ़िया है। चटनी इसने बनाई है तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता था इसमें। अच्छा। पराठे काफी बढ़िया है। अच्छा। आपका क्या ओपिनियन है? आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो अच्छा ही पता है। मेरे जो आपको पता ही होते हैं। मेरा तो कॉपीराइट है भैया, कॉपी पेस्ट का, कॉपी पेस्ट है, कॉपीराइट। ये हेडफोन सही करने में लगा हुआ है इंजीनियर हमारा, और मोटू ऐसे उबासियां ले रहे ना वहां बैठे बैठे, मुँह फाड़ फाड़ के। हाँ, और इसके ना मिर्ची डाइजेस्ट हुई, ना पराठा, ना आइसक्रीम, कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ इसके। इसको वो करनी है, वॉक करवाऊंगा, देख लेना गली से यहाँ से चलेगा, इसी आस में यहाँ कल रोक ले। सुबह तेरी फ्लाइट है, नहीं तेरे पास नीचे सो जा।